तो आप जब से पैकिंग वाले फ्रीज्ड फूड का जमाना चला है ना, तब से यार जो है सब कुछ बदल सा गया है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। किसने यार ये सोचा था कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम में आने वाली चीजें जैसे कि सब्जियां हो गई, यहाँ पर फल फ्रूट हो गए, यार जो भी चीजें हो गई वो यहाँ पर पैक आने लगेगी, जिसे कि हम जो है फ्रिज के अंदर फ्रीज करके रख सकते हैं और कहीं महीनों बाद उसे जो है खाने के काम में ले सकते हैं, जो कि यार ये चीजें नॉर्मली खराब हो जाती है। लेकिन आज के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब कुछ बदल सा गया है। यहाँ पर आजकल जो है फ्रीज्ड फूड जो है बहुत ही ज्यादा चलन के अंदर है, जिसके के अंदर हमें जो है हर तरीके की फास्ट फूड के आइटम जो है खाने को देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, पेटीज, मोमोज, जो भी चीज हो यार सब कुछ यहाँ पर फ्रीज देखने को मिल जाएगी। सब्जियों में अगर आप बात करो तो यहाँ पर चावल, दाल, शाही पनीर हो गया, यहाँ पर तक कि जो है आलू और मटर की सब्जी भी हमें जो है फ्रीज देखने को मिल जाएगी, जिसे कि हम अपने घर में लाने के बाद फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और कई दिनों के बाद जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो उसे अपने साथ में ले जा सकते हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। अगर हमने भी जो है आपके लिए आज कुछ एक नई चीज मंगाई है जो कि यार किसी ने भी ट्राई नहीं की है, हमने भी यहाँ पर ट्राई नहीं किए, पहली बार होने वाला है जो भी होने वाला है, तो क्या इसका प्राइस रहेगा, क्या टेस्ट रहेगा और क्या ये चीज है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो हमने गाइस यहाँ पर मंगाया है आज यहाँ पर ये फ्रीज पोहा, ये है गाइस यहाँ पर पोहा। तो इसका जो है हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर फ्रेश जो मार्केट में मिलता है उस पोहे से, और देखेंगे कि यार जो है मार्केट की तुलना के अंदर हमें ये उतने ही पैसों में कितनी क्वांटिटी मिल रही है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं, इसका स्वाद कैसे होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए फटाफट से तैयारी करते हैं। तो यार ये पैकेट जो है मुझे पड़ा है यहाँ पर 240 रुपए का, और 240 में से जो है यहाँ पर 60 रुपए डिलीवरी चार्जेस थे, उसको हम बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे, कोई बात नहीं उसको हटा देंगे। उसके अलावा जो मुझे ये पड़ा है 170-180 रुपए के करीब पड़ा है। तो अब इसको जो है खोल लेते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि यार इसके अंदर जो है और कितने पैकेट ऐसे हैं। तो यार मुझे जो है इसके अंदर यहाँ पर 6 पाउच मिले हैं 170-180 रुपए के अंदर, तो ये लगभग मुझे जो है यहाँ पर 27-28 रुपए का एक पाउच पड़ा होगा। और यार इसके अंदर जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इसके अंदर जो है 80 ग्राम पोहा है, केवल और केवल 80 ग्राम। तो ऐसे तो हमें कुछ पता नहीं पड़ने वाला, हम इसको जब फ्रेश जो यहाँ पर मार्केट में पोहे मिलते हैं उससे कंपेयर करेंगे, तब हमें क्वांटिटी का कुछ जो है पता चलेगा। तो अब जो इसको बनाने का देख लेते, इसको जो है बनाना कैसे वो भी इसके ऊपर लिखा हुआ, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको जो है एक बाउल के अंदर लेना है, उसके अंदर इसमें जो बिल्कुल गर्म पानी जो उबलता हुआ होता है वो डाल देना, और उसके बाद इसको जो है कुछ समय के लिए छोड़ देना, और बस पोहे यहाँ पर खाने के लिए तैयार। तो फटाफट से जो है यहाँ पर इसको पका लेते हैं, पकावा तो ये है, ये बस बना लेते हैं। यहाँ पर एक जो है बाउल ले लेते हैं और अब इसके अंदर इसको जो है काट के देखते हैं। यार सच में मुझे भी नहीं पता है कि इसके अंदर इसका कैसा कलर होने वाला है, इसके अंदर क्या क्या चीज निकलेगी, सिर्फ पोहा है या उसके अंदर कुछ मिला हुआ भी है। तो चलो काट के फटाफट से देख ही लेते हैं। यहाँ पर जो है कुछ ये आइटम निकला है, अब इसके अंदर देख लेते हैं कि यार क्या क्या है। थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है कुछ दिख रहा है यहाँ पर कि इसके अंदर मिला हुआ है मसाले वगैरह, अब इसको एक बार जो है पूरा बना के देखते हैं, उसके बाद ही जो है कुछ ढंग से पता पड़ पाएगा कि यार इसके अंदर जो है क्या क्या है। तो अब जो इसके अंदर ये रहा यहाँ पर हमारे पास पूरा उबलता हुआ एकदम गर्म पानी है, बिल्कुल हॉट, सिंपल इसके अंदर पूरा का पूरा मिला देना है, इतना काफी है। अब इसको जो है थोड़ा सा शेक कर लेना है ताकि इसमें जो है ढंग से मिल जाए। अब सिंपली कुछ नहीं करना, इसके ऊपर जो है हमें कुछ भी ढक देना है और इसको साइड में 5 मिनट के लिए रख देना है। तो तब तक जो है हम आपको अपने मार्केट में से लाए हुए पोहे दिखा देते हैं कि यार हमारे यहाँ पर कैसे पोहे मिलते हैं। आपके कमेंट करके जरूर से बताना कि कैसे मिलते हैं और कितनी क्वांटिटी में कितने रुपए के कितने मिलते हैं। तो यार आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने जो है पैकिंग करके दी हुई थी, और यहाँ पर जो है हमें कुछ ऐसे यहाँ पर पैक मिलता है, इसके साथ एक चम्मच भी मिल जाता है, और हमें जो है यार इसको इस तरीके से यहाँ पर खोलना है, और खोलने के बाद आप लोग देख सकते हो एकदम खुशबूदार, लजीज और एकदम फ्रेश पोहा, और देख सकते हो आप इसके अंदर जो हमें कितने सारे आइटम देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर नींबू भी इन्होंने दिया होता है, और ये पैकेट जो है मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मात्र 20 रुपए का।
20 रुपए के अंदर हमें जो इतनी क्वांटिटी मिल जाती है, इतने इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। इसके अंदर हम सब बात करेंगे कि यार क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर डाले हुए हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा, बस हमारे वो पोहे बन जाए तब। तो यहाँ पर हमारे दोनों पोहे जो यहाँ पर बन गए एकदम रेडी है। ये पोहे वो पोहे जो हमें मार्केट से मंगाए हमने, और यहाँ पर ये वाले पोहे जो वो पोहे जो कि हमने अभी आपके सामने बनाए। अंदर हमें क्वांटिटी भी एकदम सेम मिल रही है और इंग्रेडिएंट्स जो है उससे ज्यादा मिल रहे हैं। तो यार ऑफकोर्स इसको कौन ही मंगाएगा यार, इसका स्वाद भी इतना अच्छा नहीं है सच बोलूँ तो। तो यार मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें जो है रेडी टू ईट पोहे मंगाना चाहिए या नहीं मंगाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से एक लाइक कर देना, आपके लाइक से हमें जो यार बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे कुछ काम करने का। चैनल पर आप अगर नए हो और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब नीचे जाके कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।